हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 20 दिसंबर और हमको कल जाना है मुंबई, जैसे कि आप लोग को पता है। तो मैं कल जाऊंगा, इससे पहले मैंने क्या क्या तैयारी की है जाने के लिए मैं वो दिखाता हूं और बताता हूं, उसके बाद फिर आगे बातें करते हैं, ठीक ना? ओके, चलिए। मैं वहां जिसके लिए जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये पेंटिंग है, तो मैंने इसको पैकिंग कर लिया। अंदर से पैकिंग करने के बाद बाहर से कपड़ा से पूरा सील दिया हूं ताकि कोई इसमें डैमेज और कुछ स्क्रैच या फिर कुछ भी डैमेज ना हो। और उसके बाद मैंने ये बैग जिसमें मेरा मैंने सब सामान यहाँ डालूंगा, ये मैंने अलग से कपड़ा निकाल लिया जो मुझे सुबह पहनना है, तो पहनने में हमको कपड़ा खोजने में लेट ना हो, इसलिए मैंने सब कपड़ा मॉर्निंग का पहनने का अलग कर लिया है। और ये शू है मेरा, और ये मेरा कपड़ा जो बैग में रखूंगा पैकिंग करूंगा, वो मैं सुबह तो पहन के जाऊंगा और वो मैं वहां पहनने के लिए, और वहां का कुछ पानी बोतल और सेलो टेप, सब जो मेरे जरूरी चीज़ है जो मुझे वहां पेंटिंग को सेट करने में लगेगा वो सब चीज़ें हैं। और ये टूथब्रश और टूथपेस्ट कपड़ा, और ये मेरा रहा टिकट ट्रेन का, आर्स टूर एंड ट्रेवल्स। तो मैं इसमें टिकट का भी अभी डिटेल दिखाता हूँ आपको, रुकिए। तो मैंने टिकट ऑनलाइन बुक किया था, तो देखिए यहाँ पर पीएनआर नंबर है और उसके बगल में ट्रेन नंबर एंड ट्रेन का टाइम आप देख सकते हैं। मैं फिर भी कुछ कुछ यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर फ्रॉम यानी कि टाटानगर जंक्शन से टाटानगर से जाएगी 21 दिसंबर 2020 को जाएगी, जो टू यानी कि फ्रॉम टाटानगर डेट इतना से टू श्री शिवाजी मा टी सी एस टी एम, जो कि मुंबई जो एंटीलिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है ये स्टेशन। तो मैं स्टेशन से उतर के एंटीलिया चले जाऊंगा पैदल या फिर टैक्सी लेकर। फिर ये मेरा एड्रेस है जैसे कि देख सकते हैं, झिंझरी रांची कुरांबी पोस्ट पिन कोड और झारखंड, जो यहाँ मेरा जरूरी इन्फॉर्मेशन है इस डिटेल में। और मेरा जो यहाँ पर है, देखिए मेरा नाम जगेश्वर महतो, एज 23 वर्ष, सेक्स मेल, एंड यहाँ मेरा एस, यहाँ से मेरा सीट है देखिए CNF S546UB, इसका मतलब ये हुआ कि S5 यानी स्लीपर, एस यानी स्लीपर बोगी 5 नंबर बोगी जिसमें 46 नंबर सीट है, यूपी यानी अपर क्लास है, मतलब जो स्लीपर में 3 क्लास होता है, मिडिल बीच में ऊपर में और नीचे में, तो मेरा अपर क्लास है। और मैं बता देता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करने जाते हैं तो ट्रेन का जब स्लीपर आप बुक करिएगा तो सबसे ऊपर क्लास ही बुक करिएगा, इसमें आपका फायदा है क्योंकि बीच वाला क्लास सीट को मॉर्निंग समय गिरा दिया जाता है और नीचे वाला सीट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई भी अगर यात्री आते हैं तो उसमें बैठ सकते हैं, आप उन लोगों को मना भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ऊपर वाला क्लास की बात आती है तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मेरी ये सब चीज़ें हैं, तो मैं फिर आगे बताता हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या स्टार्टिंग पॉइंट मेरा रहेगा। तो मेरी ट्रेन टाटानगर जंक्शन से है 5:48 में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ मॉर्निंग में सुबह जल्दी ही निकलूँगा 7 बजे, क्योंकि लेट से पहुँचने से अच्छा है कि टाइम से पहुँचने से अच्छा है कि आप जल्दी पहुँच जाए, 2-3 घंटा वही बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ 7 बजे निकलूँगा, तो रांची में 8 बजे पहुँचूंगा, 9 बजे मेरी बस खुलेगी वहाँ से टाटानगर के लिए, तो मैं वहाँ 12 या 1 बजे पहुँचने का एम है टाटानगर जंक्शन बस से, चूँकि इतना बस का ट्रैवल है तो क्या पता टाइम का लॉस भी हो जाए, इसलिए मैं पहले 5 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करूंगा। और जब मैं वहां पहुंचूंगा उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। और एक बात बता दूं, ये मैंने बात किसी को नहीं बताई लेकिन आप लोग को बता दूं, क्योंकि आप लोग तो मेरे दोस्त हो, तो देखिए वहां मैं जाऊंगा तो सप्ताह भर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जाने का 2 दिन ट्रेन से और आने का 2 दिन हो गए 4 दिन, और वहां जाऊंगा तो 1 या 2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा हमको, तो ऐसे ही 6 दिन हो रहे हैं, तो सप्ताह भर या 8-9 दिन लग जाएगा हमको। और एक बात बताऊं, और मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैं कहाँ रुकूँगा, जैसे कि अंबानी के घर में रुकूँगा या रेलवे स्टेशन में या फिर फुटपाथ में या फिर होटल में। होटल में तो मैं रह नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ मुंबई है, सिटी है, तो वहाँ है होटल का जो प्राइस है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, एक पर डे का 2500 या 2500, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 5-6 दिन के लिए। तो आइडिया नहीं कि मैं अंबानी घर में रुकूँगा या फुटपाथ में या फिर होटल में या फिर किसी का घर में या फिर कोई हेल्प करेगा, तो बस मैं अपने हौसले के चलते जा रहा हूँ। और क्या होगा क्या नहीं होगा हमको भी कुछ पता नहीं, बस एक जुनून है कि वहाँ जाना है और उनसे भेंट करना है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, अगर आप किसी भी चीज़ को पाने की चाह रखते हो तो आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को पा ही लोगे, चाहे कितने भी रास्ते में रुकावट आए या कुछ भी बाधाएं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल, हमको पेंटिंग सीखना था तो सीखना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था, किंतु परंतु नहीं था, कि कोई बहाना नहीं था कि हमको ये नहीं है वो नहीं है, हम किसी भी तरीके से सीखना है तो सीखना है। अगर मैं चाहता तो बहाना बना के साइड कर सकता था कि नहीं मेरे पास पेंटिंग क्लास करने के पैसे नहीं है, पेंटिंग करने का बोर्ड नहीं है वगैरह वगैरह, चूँकि हमको पाने का चाह था, पेंटिंग सीखने का चाह था, तो मैंने वो किया है बस, जस्ट वैसा ही। अगर कोई आपसे 5000 मांगता है मॉर्निंग में तो आप नहीं दे पाओगे, लेकिन एक डेट दे दिया जाएगा, नहीं तुम दे दो 5000 तो सुबह में तुमको जान से मार दिया जाएगा, ऐसा अगर कोई बोल दिया जाए तो आप उसको 5000 किसी भी कीमत में दे ही दो, क्योंकि बात जब जान की आ गई है तो रीजन मिल गया है कि उसको पैसा देना है क्यों, और हमको रीजन पता है कि हमको वहाँ क्यों जाना है और कैसे मैनेज करना है। तो मैं अपने हौसले की वजह से जा रहा हूँ और मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से जा रहा हूँ वहाँ पर। अब क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता,
अब वहां जाने के ही बाद पता चले। हाँ मैं जाऊंगा तो मैं कल से ब्लॉग बनाते जाऊंगा, आप लोग को दिखाते जाऊंगा जैसे जैसे मैं ट्रैवल करूंगा। तो अभी वीडियो को अंत करते हैं, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। या